يا نهجا وقيم، أنثرها خلقا وشيم. أملأها أمدا وهمم. أعكس منها صورتي. إنها, إنها 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 مسؤولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده मैं आसिया मदनी हूँ और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर और फेसबुक पर जस्ट फिक्स इट आज हमने जिस मौजू का इंतखा किया है वो मौजू है ग्रेटिफिकेशन ग्रेटिफिकेशन एक लफ्स है जिसका हमें मतलब आ, हम जानते हैं जिसका मतलब ये है कि कोई ख्वाहिश का पूरा हो जाना तस्किन हो जानी तशफ़ी हो जानी प्यास बुझ जानी कोई ज़रूरत पूरी होकर वो एक फ़ीलिंग का एहसास बहुत सर्दी लग रही है तो अचानक गरमाइश मिल जाना तो ग्रैटिफाई हो जाता है इंसान बहुत गर्मी लग रही है तो एसी की कूलिंग में चले जाना तो एकदम वो जो फीलिंग होती है इन सब चीज़ों का नाम ग्रैटिफिकेशन है हम जब ग्रैटिफिकेशन की बात करते हैं तो इंसान को अल्लाह फितरी दाइए दिए हैं ज़रूरतें हैं ये भूख है ये प्यास है ये नींद है ये थकावट है ये ख़ुशी है ये ग़मी है हती के इंतकाम है हती के खौफ है ये सारे जज्बे जो हैं बुनियादी जज्बे हैं तो इन जज्बों के साथ साथ जो है ग्रेटिफिकेसन जो है वो रिलेटेड है तो रे, रे, जो ग्रेटिफिकेसन है इसकी दो किस्में हैं एक ग्रेटिफिकेशन होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और एक होती है डिलेड ग्रैटिफिकेशन इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन तो वही है ना शदीद भूख लगी खाना सामने आ गया पेट भर के खाया ओ सो गुड वो जो फीलिंग होती उनको हमने कह दिया कि इंस्टेंट क्रेटिफिकेशन हो गई बहुत गर्मी लग रही थी और अचानक ऐसी की कूलिंग वाले कमरे में चले गए हा हाओ कूल हाउ नाइस और आपने कहा कि इंस्टेंट क्रैटिफिकेशन हो गई एक और भी ग्रेटिफिकेशन होती है वो ग्रेटिफिकेसन ये है कि जब इंसान वो काम करता है जिसको वो सही समझता है जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं और जब वो उसको कर लेता है तो वो इतना कॉन्फिडेंट और इतना सेटिस्फाइड अपने आप को महसूस करता है कि वो कहता है कि नाउ आई एम ग्रैटिफाइड दैट आई हैव अचीव्ड इट क्या है आपने कहा था कि मुझे हक़ के साथ खड़ा होना है और आपने जब देखा कि हक़ जो है वो गलबा पा रहा है तो यू फील सो एट ईज़ एट कम्फर्ट के आ, ये होना चाहिए था और ये अलहदिल्ला हो गया और इसी तरह आपको ये पता था कि मुझे ये वाले अच्छे काम करने हैं मुझे सुबह वक्त पे उठना है मुझे अपने टाइम टेबल के साथ चलना है मुझे अपने नफ्स के जो है वो शर को कंट्रोल करना है और जब आप कर लेते हैं तो यू फील सो प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ़ और वो जो एक अच्छी सी फीलिंग्स होती हैं उनको हम ग्रेटिफिकेशन कहते हैं लेकिन चूंकि ये ग्रेटिफिकेशन अ लॉन्ग टर्म वर्किंग और एफर्ट्स का नतीजा होता है इसलिए हम इसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं आइए इस कॉन्सेप्ट को एक और तरह से भी समझें आपको पता है कि हमारे उर्दू ज़बान में हम एक लफ्स बोलते हैं बेवकूफ़ का ठीक है बेवकूफ़ वक्फ हम जानते हैं ठहरना ना, ना? बेवकूफ़ वो शख्स होता है जो सोचने बोलने से पहले सोचता नहीं है जो छलांग मारने से पहले एक मिनट के लिए रुक के गौर नहीं करता तो जो गौर कर लेता है वो इस बात का जायज़ा ले लेता है कि मुझे छलांग मारनी है या नहीं मारनी इसके अंदर इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा और जो फ़ायदा हो रहा है क्या वाकई वो फ़ायदा मैं हासिल करना चाहता हूँ या नहीं चाहता जब ये बातें सोच लेता है और उसके बाद छलांग मारता है तो फिर क्या होता है कि या एक तो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेसन तो ये हुई ना कि स्पक ऑफ द मोमेंट जो है वो एक अर्ज एक विम आई और आपने पूरी कर ली चले जो भी हुआ नुकसान जितना मर्जी हुआ लेकिन आपने जो करना था कर लिया और एक ये होता है जब आपने सोच समझ के किया था फिर आपने रिजल्ट्स हासिल कर लिए तो ये जो रिजल्ट्स का हासिल करना ये अमूमन अच्छी गौरव फिक्र और अच्छी डिसीजन मेकिंग का नतीजा होती है और इसके जवाब में जो हमें इनाम मिलता है वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन होती है अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं मन का ना यदल आजाज लहू फीहा मा नशा उलिमन नरीद ثم جعلنا له جهنم يصلاها मदमोम مدحورا अल्लाह कहते हैं कि जो जल्दी जल्दी जो आजिला मांगता है यानी जल्दी आ जाने वाली और दुनिया को आजिला का नाम दिया गया है और जो शख्स जो है आखिरा डिलेड होने वाली को चूज़ करता है तो जो दुनिया मांगता है हम उसको भी दे देते हैं वो कहता है अल्लाह जो देना बस इसी जगह पे दे दे जो कामयाबियाँ बस वो यहीं पे मिल जाएँ आख़रत के साथ कोई लेना देना नहीं है तो अल्लाह कहते हैं कि ठीक है हम उनको वो दे देते हैं लेकिन फिर उनके लिए हमने आख़रत में जहन्नुम तैयार की है क्योंकि उन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेसन को तरजीह दी है इसी तरह एक और जगह पर अल्लाह तला कहता है फमिन हम मै यक़ूलो रबना आतना फ़िदुनिया हसना व मूफिल आख़रत मिनखलाक कोई ऐसे जल्दबाज भी होते कहते हैं अल्लाह जो देना बस अभी दे दे तो फिर यह है कि इनके लोगों के लिए आख़रत में कुछ ठिकाना नहीं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं रबना आतना फिर दुनिया हसन तम व फिल आख़रत हसन वकी अज़ाबनार अल्लाह दुनिया में भी अच्छा दे दे और आख़रत में भी अच्छा दे दे और हमें आग के अजाब से बचा लेना तो बात यह है कि अगर हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करेंगे तो ये बताइए कि ओबेसिटी की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं खाम सामने डबल चीज़ बर्गर आ गया है अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मुस्तकिल प्रेशराइज करती है आज खा हो ना डाइटिंग कल से स्टार्ट कर लेंगे ठीक है इसी तरह जो है आ, क्या है कि हमें पता है कि ये काम नहीं करना उसके बावजूद बार बार अपने नफ्स के बैरियर तोड़ के हम बार बार वो करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए लेकिन एक हमारा डिलेड ग्रेटिफिकेशन का भी गोल है कि मैंने अपने खाने को कंट्रोल करना है अपनी डाइट को हेल्दी बनाना है और जब वो हेल्दी बन जाएगी तो मैंने एग्जैम्पलरी हेल्थ और फिटनेस जो है वो अचीव करनी है ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन है तो इन दोनों का ज़िंदगी भर मुकाबला चलता रहे है जो तो अपने नफ्स का मास्टर और आका बन जाता है तो वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का भी माका बन जाता है और फिर अल्लाह उसको कहते हैं कि या अय्य तो हल नफ्सलमुतम या तोन नफ्समतम ए मतमैन नफ्स इला इर्जिक ऐसा खुशबाश आदमी प्राउडली कॉन्फिडेंटली अपने रब की तरफ चलता है और फिर उसको क्या मिलता है जो वो चाहता था और जो उसका रब उसे वो भी राज़ी हो गया अपने रब से और उसका रब भी उससे राज़ी हो जाता है तो ये ज़िंदगी जो है इंस्टेंट और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के मादबेन कशमकश का नाम है जो अपने नफ्स का आका बन जाता है अपने नफ्स को कंट्रोल में ले आता है वो अपनी ज़िंदगी की सब अचीवमेंट्स ले लेता है और जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेसन का शिकार होता है फिर उसको वो फौरी तौर तो पे छलांग मारने की बेवकूफ़ी वाली अर्ज ही हासिल होती है और उसकी फुलफिलमेंट हासिल ही होती है लेकिन लास्टिंग और सस्टेनेबल सक्सेस उसको कभी हासिल नहीं होती आपकी फ़ीडबैक का और आपके क्वेश्चन का इंतज़ार रहेगा अलैक्म वरमि वरकू